सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में अश्वमेघ का घोड़ा प्रकरण समझा था, अब हम इसे आगे समझेंगे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में वाल्मीकि महर्षि ने राम के चरित्र का वर्णन किया है, इसमें लव और कुश का भी वर्णन है। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम में आ जाता है और लव और कुश किस तरह उस घोड़े को पकड़ते हैं, तो उनके संवाद सुनते हैं। सैनिक कहता है, ऋषि पुत्रों, यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। ये सैनिक के संवाद है। लव कुश कह रहे हैं, तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। सैनिक कहते हैं, आहा, इतना तीक्ष्ण बाण, चलो भाग चले। लवकुश कहते हैं, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। इस प्रकार लव कुश और सैनिकों के संवाद चल रहे हैं। और इसी बीच वहां पर शत्रुघ्न अपने सैनिकों के साथ आता है और वो कहता है, ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीर का सामना करो। लव कहता है, वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को और वह भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। इस तरह इनके संवाद चल रहे हैं। आगे कुछ कहता है, अब यह घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। राम, ऋषि पुत्रों, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ। और वहाँ पर श्री राम आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ, अब यह घोड़ा छोड़ दो। लवकुश, महाराज, आपके चरणों में लवकुश का प्रणाम, अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं, अतः घोड़ा नहीं देंगे। राम, नहीं ऋषि पुत्रों, मैं युद्ध नहीं होगा, मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। लवकुश कहते हैं, नहीं महाराज, युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा, धनुष उठाइए। सीता, वहां पर इन लवकुश और राम के संवाद सुनते ही वहां पर सीता आ जाती है और सीता कहती है, नहीं नहीं लवकुश, नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। लवकुश कहते हैं, यह क्या कह रही हो माँ? सीता, मैं ठीक कह रही हूँ, अयोध्यापति श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। राम, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता? सीता, सीता। लवकुश, महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। राम, आओ मेरे सूरवीर पुत्रों, आओ गले लग जाओ, आज मैं धन्य हुआ। इस तरह इनके संवाद यहाँ पर खत्म होते हैं। इस प्रकार यह प्रकरण में लव और कुश की शौर्य और वीरता का वर्णन दिया हुआ है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और प्रकरण पढ़िए। धन्यवाद।